चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अप्रैल 2023 दिन बुधवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सुबह 11:23 तक इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रात 11:53 तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति योग दोपहर 3:26 तक, इसके बाद विष्कुंभ योग शुरू होगा। आज दर्श अमावस्या है। रात 11:53 पर पंचक समाप्त हो जाएगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12:30 तक, यमगंड काल सुबह 9:06 तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:20 तक। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत, किसी बेड का बिस्तरे का निर्माण, दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवास। मेष राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य, राहु और बुध तीन ग्रहों की स्थिति है। आपके धन भाव में शुक्र है, लेकिन आपके व्यय भाव में बृहस्पति अपने राशि का चंद्रमा के साथ है, जो ये संकेत करता है कि धन हानि का योग बना हुआ है और हो सकता है कि कर्ज लेना पड़ सके। ऑफिस के काम में दिन भर व्यस्त रहेंगे। पिता से किसी बात पर अनबन हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। योग प्राणायाम आपको करना चाहिए और किसी नई योजना में निवेश आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसा रहेगा, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग इस राशि के लिए, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके व्यय भाव में ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य और राहु की युति बनी हुई है। ये आपको बढ़ते हुए खर्च के कारण आर्थिक संकट में डाल सकता है। समय काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। ज्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। मां के स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है और धन भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ है। कहीं अगर पुराना आपने पैसा लगाया हुआ है तो उससे आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। और अगर आप नौकरी के लिए कहीं अपना रिज्यूम दिए हुए हैं तो आपको नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आपको चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। आज इनकी किस्मत इनका कितना साथ देगी, पंडित जी से जानते हैं। कर्क राशि का ग्रह गोचर ये है कि केंद्र में केतु है और दूसरे केंद्र में
सूर्य, राहु और बुध है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, मृत्यु भाव में शनि है और भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ गुरु है। तो भाई सब ट्रांजिट का जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है वो ये कि आपके जीवन में आज धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, न बहुत अच्छी न बहुत खराब। अगर ऑफिस में आपसे कोई भूल चूक होती है तो आपको अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, उसका कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है, मेहमान आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़्यादा चालाकी नुकसानदायक साबित होगी। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला आपको चढ़ानी चाहिए। शुभंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। हाल सिंह राशिकार राशिफल जान लेते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। चलिए भाई, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके धर्म स्थान में सूर्य देव विराजमान है, वो जो आपका भाग्य का स्थान है, राहु और बुध के साथ हैं, तो किसी धार्मिक यात्रा पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और दशम भाव का स्वगृही शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है कि ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धैर्य रखिए, बिगड़े रिश्तों में भी सुधार होगा। भाई के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिए, किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज कन्या राशि की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग पंडित जी से जानते थे। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके धन स्थान में केतु है, आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आज कुछ नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका स्थान बदल सकता है। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, किसी से गलत वायदा या धोखाधड़ी आपको नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंदों में वस्त्र का दान करना चाहिए। शुभंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल भी, आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी से जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में मूल त्रिकोण का शनि है और रोग शत्रु के स्थान में गुरु के साथ चंद्रमा है। आपके सप्तम भाव में सूर्य राहु बुध है और आपके मृत्यु भाव में स्वगृही शुक्र है, तो कोई रुका हुआ पेमेंट अगर आपका है तो वही आपको मिलेगा। करंट में जो आपका लेन देन हो रहा है उसमें आपको पैसे का लाभ नहीं होगा। नौकरी में पदोन्नति होने का योग बना हुआ है। पारिवारिक विवाद भी खत्म होगा। चोट चपेट लगने की संभावना है, आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीयता नहीं साझी करनी चाहिए। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शुभंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल, आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा पंडित जी से जान लेते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 8वें भाव में मिथुन राशि में, खराब स्थिति है। बीमारियों पर धन खर्च होगा। ऑफिस में भाई अपना काम दूसरों पर मत थोपिए, नहीं तो आपके नौकरी पर बन जाएगी। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान अच्छा रखिए।
व्यर्थ का किसी से वाद विवाद मत करिए। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटिए। शुभ अंक आपके लिए सात है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज इनका दिन कैसा रहेगा, पंडित जी से जान लेते हैं। आपकी धनु राशि है ना, तो आपके पराक्रम के स्थान में इस समय मूल त्रिकोण का शनि है और आपके सुख के स्थान में बृहस्पति चंद्रमा के साथ है। आपके संतान भाव में सूर्य राहु और बुध है और आपके रोग स्थान में शुक्र है। तो देखिए, ये सारा ट्रांजिट देखने के बाद जो चीज़ निकल कर आ रही है उसमें एक बात तो ये कि यदि अभी तक पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था तो अब पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी, आपके कार्य कुशलता की प्रशंसा होगी और अगर भाई के साथ कोई विवाद है तो वो भी समाप्त होगा। आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए पाँच है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल भी और आज इनका दिन कैसा रहेगा, इनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा, पंडित जी से जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों के तृतीय भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। नौकरी में बदलाव के लिए दिन अच्छा है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। उधार दिया पैसा फंस सकता है, सतर्क रहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि का भी राशिफल और आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा, पंडित जी बताएंगे। कुंभ राशि में तो शनिदेव बैठे ही हैं, द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ चंद्रमा भी अच्छा है तो आमदनी बढ़ेगी और खूब बैंक बैलेंस भी कर पाएंगे। ऑफिस में साथ काम करने वाले आपकी सहायता करेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने का मौका भी मिलेगा। ज़्यादा निगेटिव विचार से बचिए वरना आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जल्दबाजी में नौकरी मत बदलिए। जरूरतमंदों में दवाइयां दान करिए। शुभ अंक आपके लिए नौ है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, मीन राशि में बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान है। धन भाव में सूर्य राहु बुध के साथ है। पराक्रम के स्थान में शुक्र है और सुख के स्थान में मंगल है। अगर इन ग्रहों के संयोग को देखा जाए और फलादेश की बात आए तो ये कहा जा सकता है कि आज जो कुछ भी आपको धन लाभ होगा वो आपके विल पावर के कारण, आपके आत्मविश्वास के कारण होगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपको जल्दी निपटा लेने चाहिए। आज का काम कल के ऊपर आपको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मन शांत रखिए, सेहत भी अच्छी रहेगी। किसी भी काम में आलस बिल्कुल न करें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए चार है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।